हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इससे व्यूज बिल्कुल नहीं आ रहे हैं और पार्टी भी नहीं हो रही है। ठीक है, तो पार्टी भी नहीं हो रही है। तो मैं आज आपको जो जिस टॉपिक पे मैं बात करने आया हूँ, टॉपिक ये है कि मैंने इस चैनल पे 100 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और मैंने बहुत सारा इस पे काम किया है और मैंने 1000 का माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया है और मुझे कम्युनिटी बॉक्स भी मिल चुका है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं अब ये बोलूंगा कि सभी 1000 सब्सक्राइबर्स के पीछे भाग रहे हैं कि 1000 सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर्स मिल जाएं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि 1000 सब्सक्राइबर एक बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, अचीव करा जा सकता है, बट जो सबसे बड़ा टारगेट है वो है हमारा 4000 आवर्स वॉच टाइम। तो मैंने क्या गलतियां करी वो मैं आपको बताने वाला हूं कि जिसकी वजह से व्यूज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैंने इतने टाइम के साथ मैंने रिसर्च भी करी है। फिलहाल मेरा जो कंटेंट है वो पढ़ाने का है, तो मैं इस वीडियो का बनाना कोई मतलब नहीं मिलता, बट यार बहुत सारे लोग ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं जो देख रहे हैं कि वीडियोस बना रहे हैं, काम कर रहे हैं लगातार, व्यूज पे वो सिर्फ व्यूज, इवन सब्सक्राइब भी नहीं, सब्सक्राइबर्स भी नहीं आ रहे हैं और व्यूज भी नहीं आ रहे हैं। तो सब्सक्राइबर तो मुझे गेन हो चुके हैं बट व्यूज उस पे ज्यादा नहीं आते हैं। इसका एक इम्पॉर्टेंट एरिया ये हो सकता है कि मेरा जो चैनल है उस पे मेरा कॉमर्स का कंटेंट है, तो मतलब अकाउंट्स इकोनॉमिक्स, तो देखा जाए तो कॉमर्स का एरिया बहुत ही ज्यादा नैरो है और इसमें बहुत ही कम ऑडियंस इन्वॉल्व है, मतलब लोग जो है बहुत कम ही इन्वॉल्व है और ऊपर से कंपटीशन भी यूट्यूब पे बहुत ज्यादा है। तो जो पहले के वीडियोस ट्रेंडिंग पे हैं वो आज भी ट्रेंडिंग पे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि कॉमर्स में अकाउंट्स में इनमें अपडेट बहुत कम आता है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कॉमर्स तो चलिए मान लीजिए कि इसमें धीरे 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 हम ग्रो करेंगे, ठीक है, बट अगर आपका एक स्टडी चैनल है, अगर आप किसी और स्ट्रीम से हैं, ठीक है, मान लीजिए आज के टाइम पे अगर आपके पास कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करवाते हैं, अगर कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करवाते हैं तो उस पे व्यूज आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। बट स्टडी चैनल का एक ट्रेंड होता है कि स्टडी चैनल में ग्रोथ कब होती है, स्टडी चैनल में ग्रोथ तब होती है जब उस मान लीजिए कि अभी बोर्ड्स आने वाले हैं, ठीक है, तो अभी बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे लोग ज्यादा से ज्यादा आपकी वीडियो वॉच करेंगे, बट अगर देखा जाए कि बोर्ड से पहले का सेशन जो हमारे पीछे बीता बीता हुआ समय है उसमें क्या हमें बहुत ज्यादा व्यूज आए, नहीं, वहां पे बहुत ही कम व्यूज आते हैं। तो आप उस टाइम पे अपने चैनल को कैसे बना सकते हैं, आप कुछ थोड़े बहुत कंटेंट रिसर्च करके आप बना के डाल सकते हैं, या कोई न्यूज आ रही स्टूडेंट्स को लेके, या फिर कोई अपडेट है, तो ऐसी ऐसी वीडियो बना के आप ऑडियंस को इंगेज कर सकते हैं अपने चैनल पे। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो स्टडी चैनल का जो स्ट्रगल है वो बहुत ही ज्यादा ही टफ है। मैं फिलहाल मैं स्टडी चैनल को ही नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हर जगह ही कंपटीशन है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बट एक स्टडी चैनल पे ज्यादा मेहनत लगती है इन कंपैरिजन टू अदर्स। स्टडी चैनल पे क्या है कि ऑडियंस भी नहीं है क्योंकि व्यूज नहीं आते, आप व्लॉग बनाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको व्यूज मिल जाएंगे, आप गेमिंग करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं व्यूज मिल जाते हैं, अगर आप अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ और अच्छे कीवर्ड्स के साथ, अच्छे थंबनेल के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ, हर चीज एक प्रीमियम क्वालिटी की अगर आप बना के आप एड ऑन एड करके सारी चीजें ओके वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको व्यूज मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो स्टडी में तो यार ऐसा होता नहीं कि हम उसको बहुत ज्यादा एडिट करके अट्रैक्ट करके कि हमने यार पहले कुछ थोड़ा बहुत कुछ सस्पेंस दिखा दिया फिर वो वीडियो बना रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप लोगों के पास जो अदर जो हमारी कैटेगरी चली जाती है, एंटरटेनमेंट हो जाते हैं, पीपल व्लॉग्स हो जाते हैं, तो गेमिंग हो जाता है, तो इन चैनल्स पे ग्रोथ ज्यादा है। बट बात यही नहीं खत्म होती, बात ये रहती है कि मान लीजिए कि आपका इंटरेस्ट है पढ़ाई में, ठीक है, और आप जो चैनल मतलब आपका इंटरेस्टिंग जोन जो है वो पढ़ाई में है, या आप अच्छा पढ़ा लेते हैं, आप खुद अपने अकॉर्डिंग आप ये जानिए कि आपका इंटरेस्ट किस जोन में है। मतलब अगर आप बहुत कम घूमते हैं और आप
व्लॉग बना रहे हैं, तो व्लॉग का चैनल आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा ही पढ़ाई करते हैं, अगर आपने चैनल बनाया हुआ है गेमिंग का, तो बेकार है। मतलब अगर पढ़ा सकते हैं तो आप पढ़ाने वाला चैनल बनाइए जिसपे आप एजुकेशन दें, ठीक है। तो कैटेगरी आपको ये सोचना है कि आप अपने अकॉर्डिंग कौन सा समय, बहुत ही सुटेबल समय आप अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो YouTube पे आप जिस कैटेगरी पे वर्क करेंगे वो आपको खुद डिसाइड करना है, और उससे आपका लॉस होना नहीं चाहिए, आपकी स्टडीज का लॉस नहीं होना चाहिए, आपकी प्रिपरेशंस जो भी आप कर रहे हैं उसमें लॉस नहीं होना चाहिए। क्योंकि YouTube पे आजकल तो इवन मैंने स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मेहनत करी, इवन 100 वीडियोस अपलोड कर डाली, तो आउटकम ये आया कि व्यूज सब्सक्राइबर्स तो गेन हो गए बट व्यूज ज्यादा नहीं गेन हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टडी चैनल है। तो मैंने भी अब सोचा है कि मैं अब कुछ कंटेंट में चेंज लाऊंगा, कुछ धीरे धीरे मैं इसमें वेरिएशंस लाऊंगा, और वो वेरिएशंस कैसे लाना है वो मैं खुद डिसाइड करूंगा। तो आप भी इसी तरह डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे कैसे आप वेरिएशन ला के आप चैनल ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, ट्रेंड देखिए कि कौन सी वीडियोस चल रही है और कौन सी वीडियोस में व्यूज आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आप ट्रेंड को अगर समझ जाते हैं तो आपको व्यूज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी तो इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा मेरे लिए कि इतना ज्यादा वीडियोस बना पाऊं, बट मैं इस वीडियो के थ्रू एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि ट्रेंड के साथ अगर आप वीडियोस बनाते हैं तो एक्चुअली होता है कि वो वीडियोस सर्च करी जाती हैं, तो आपकी वीडियो कहीं ना कहीं आपका कोई कीवर्ड वो रैंक कर जाएगा उस वीडियो पे लेके। तो उस अगर मान लीजिए कि कीवर्ड पर रैंक कर गया आपका वीडियो, तो आपको व्यूज अच्छे खासे मिल सकते हैं। तो बहुत ज्यादा आपको रिसर्च करना पड़ेगा यूट्यूब पे ग्रो होने के लिए, और काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपको व्यूज आएंगे। और एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा कि 1000 सब्सक्राइबर के माइलस्टोन कंप्लीट होने के बाद, मान लीजिए आपका 4000 आवर्स वॉच टाइम भी हो गया, बट क्या आपको लगता है कि बस यहीं तक आपकी जर्नी थी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो आपने फर्स्ट स्टेप क्रॉस किया है यूट्यूब का, तो मतलब अभी आपको बहुत आगे जाना है, क्योंकि जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं वो है पैसा और फेम, दोनों के लिए आप मेहनत करते हैं। तो अभी आपके चैनल पे व्यूज लाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑडियंस को एंगेज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक वीडियो आपका वायरल हो गया तो हो सकता है कि आप सोचे कि अब तो यार मेरा मोनेटाइजेशन हो जाएगा, अब तो मैं बहुत कुछ हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मोनेटाइजेशन होने के बाद आप आराम से बैठेंगे तो आपको आपको ना ही आपका मोनेटाइजेशन भी डिसेबल हो सकता है, आप ज्यादा समय तक वीडियोस ना डालें और चैनल की इंगेजमेंट कम हो जाए। तो आपको प्रॉपर कंटिन्यू उस पर बने रहना होगा, और स्टार्टिंग में अगर मान लीजिए मोनेटाइज भी हो गया तो ऑडियंस का एंगेजमेंट लाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर कीवर्ड्स आपको लिखने होंगे उसके अंदर कि कौन से कीवर्ड्स हम डालें, क्योंकि कीवर्ड्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है यूट्यूब का, जो वीडियो को रैंक करता है। जैसे हमने लिखा कि हाउ टू मेक चपाती, तो ये कीवर्ड है, ये इस पे कौन सी वीडियो कहाँ पे रैंक कर रही है ये दिखेगा। तो यही चीज होता है कि और मेंटेलिटी क्या होती है कि जब हम यूट्यूब चलाते हैं तो हम सबसे पहली वीडियो या दूसरी या तीसरी, ज्यादा वीडियोज हम नहीं ढूंढते हैं। मान लीजिए कि अगर बहुत ही स्पेसिफिक हो के वीडियो ढूंढ रहे हैं तो हम बहुत ही बड़ा कीवर्ड लिख देते हैं, तब हमें वो वीडियो जाके मिलती है। तो सारा जो यूट्यूब मैकेनिज्म है जो चलता है, एल्गोरिदम जो यूट्यूब पे चलता है वो कीवर्ड्स पे है, और कीवर्ड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही डिसाइड करेंगे कि आपकी वीडियो ग्रो होगी या नहीं होगी। तो कीवर्ड्स आपको कैसे रखने हैं, कीवर्ड्स तो हर कोई बता देता है कि कीवर्ड्स होंगे, कीवर्ड्स हों, कीवर्ड्स हों, बट ऐसा ये भी देखा जाता है कि मान लीजिए कि कीवर्ड्स कैसे हों, कीवर्ड्स ट्रेंडिंग कीवर्ड्स होना ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए कि आने वाले समय में कोई ट्रेंडिंग टॉपिक आ जाता है, ठीक है, मान लीजिए कि मेरा भी स्टडी चैनल है, तो अभी जैसे ही बोर्ड एग्जाम चलेंगे तो अगर मान लीजिए कि मैंने एक वीडियो बनाई हाउ 5 बेस्ट कोर्सेस आफ्टर 12th, तो ऑब्वियस है जब 12th बच्चों का खत्म होगा तो वो बेस्ट कोर्सेज सर्च करेंगे, बेस्ट कॉलेजेस सर्च करेंगे,
और अपॉर्चुनिटीज सर्च करेंगे किस एरिया में वो जा रही, वो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्या क्या वो कर सकते हैं। तो आप समझ रहे ना कि वो ऑडियंस उठ के नेक्स्ट कीवर्ड पे आएगी, तो जब वो वीडियो उस टाइम पे अपलोड करेंगे तो व्यूज आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। हालांकि उसमें बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी रैंक कर रही होंगी, बट आपकी वीडियो को भी रैंक करने का मौका मिल सकता है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी रिसर्च है जो मैंने सीखा है, तो ये वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप YouTube चैनल कैसे कर सकते हैं। तो YouTube चैनल आपके लिए, मतलब YouTube चैनल आप सोच रहे हैं कि आप एक वीडियो बनाते हैं, फिर आप 4-5 दिन, 1-1.5 हफ्ते आराम से बैठते हैं, फिर उसके बाद एक वीडियो, तो वो आपके डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप व्लॉग्स बना रहे हैं, तो हो सकता है आपके लोग व्लॉग्स पसंद कर रहे हो, तो आपको डेली हो सकता है डालना पड़े, या फिर हो सकता है 2 दिन में 3 दिन में, तो वो आपको खुद डिसाइड करना है कि वीडियोस आप कब डाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी आपको यूट्यूब पे ग्रो होने के लिए। और इवन सबसे मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट करना। कभी कभी किसी केस में हो जाता है कि 4000 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं बट सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं होते हैं, और कभी कभी होता है कि दोनों ही पैरेलल चल रहे होते हैं, वॉच टाइम धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं और धीरे धीरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे होते हैं। तो कोई भी आप कैटेगरी में हो सकते हैं, वो आप अपने आप को खुद आइडेंटिफाई करिए। और अगर आपका कंटेंट अगर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसमें क्वालिटी नहीं है, उसमें वो कंटेंट अट्रैक्टिव नहीं है, वो ऑडियंस ऑडियंस रिटेन नहीं कर पा रहा है ज्यादा देर, उस पे लोग उसको ज्यादा उस चीज पे लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा कि आपको इस चीज को इम्प्रूव करना होगा कि आप कैसे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस रिटेंशन कर सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आपका होता है थंबनेल, फिर उसके बाद होता है टाइटल, और फिर उसके बाद आपका होता है स्टार्टिंग की वीडियो, जो 10 to 15 सेकंड की वीडियो जो होती है वो ऑडियंस को रोकने के लिए होती है। ये जो 3 पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो काम करता है वो हमारे कीवर्ड्स जो आपने वीडियो के अंदर लिखे हुए हैं। तो ये 4-5 चीजें हैं जो आपकी वीडियो को आगे चलाते हैं और आपके चैनल को वही वीडियोस ग्रो करेंगी। तो आप इस चीज को फॉलो करिए। अगर आप कंटेंट अच्छा नहीं बनाते हैं, आप कंपैरिजन करिए जो अच्छे क्रिएटर हैं और आप बिगनर हैं, तो आप उनमें फर्क देखिए। आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं होंगे आई नो, बट अगर आप बिगनर्स हैं तो ऑब्वियस है सबके पास इतने अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं। जो ग्रो कर गए उनके पास बहुत सारा पैसा होता है और वो अपने अपने इक्विपमेंट्स खरीद लेते हैं। तो आप इक्विपमेंट्स भले ही आपके पास अच्छे ना हो, बट अगर आप कंटेंट थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं, आप ऑडियंस को रोके रहते हैं, तो भी आप ग्रो कर जाएंगे। तो यूट्यूब पे अब एजुकेशन चैनल पे टाइम जरूर लगता है, पर धीरे 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 कॉन्टेंट ग्रो होता है। तो मैंने गिव अप कभी नहीं करने का सोचा है, मैं कंटिन्यू इसको करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा। तो जब चैनल को ग्रो होना होगा हो जाएगा, क्योंकि मुझे पढ़ाने में मजा आता है और मैं चाहूँ तो शायद व्लॉग भी कर लूँ, गेमिंग भी कर लूँ, बट उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि उससे मेरा वेस्ट ऑफ टाइम होने वाला है। तो मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट है, भले ही व्यूज कम आते हैं कोई बात नहीं, बट मुझे अच्छा लगता है। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग इस चीज को सोचिए कि कौन सी चीजें हैं जो आप ज्यादा मतलब चैनल पे आप कर सकते हैं, और उससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और वो आपके लिए इफेक्टिव भी होगा। ठीक है, तो ये बात करना जरूरी था तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको जरूर लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल की इस पे तो कॉमर्स की वीडियोस मैं स्टडी चैनल को एज ए स्टडी चैनल यूज करता हूँ, बट मैंने कुछ अपने व्लॉग्स आप रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है। अगर आप मेरा व्लॉग देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बोलिएगा, तो मैं आगे भी कभी कभी अगर निकलता हूँ तो मैं व्लॉग्स भी शूट करूंगा। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आगे अगर आपको लगता है कि मैं और थोड़ा डिस्क्राइब में बहुत डिटेल में बात करूं, तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।